दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। अभी मार्केट ओपन है और बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 1500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल गई है। लेकिन यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी की तरफ से एक अपडेट्स निकल कर आई है, जिसमें लिखा है नो प्लान फॉर नेशनल लॉकडाउन। तो यहाँ पर नेशनल लॉकडाउन को लेकर जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है कि यहां पर गवर्नमेंट किसी प्रकार का मन नहीं बना रही है नेशनल वाइज लॉकडाउन लगाने का, लेकिन स्टेट वाइज लॉकडाउन तो आपको हर एक स्टेट में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर आप मार्केट की तरफ नज़र मारेंगे तो मार्केट में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रही है। जैसे कि कल भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको 1000 पॉइंट के ऊपर की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज वीडियो रिकॉर्ड करने तक आप देख सकते हैं लगभग 1400 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है। निफ्टी 50 के अंदर भी 356 पॉइंट की गिरावट है, सेंसेक्स के अंदर भी 1236 पॉइंट की गिरावट है। इसी के साथ में अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप के अंदर भी आपको 210 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 500 के अंदर भी 293 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी 200 के अंदर भी 184 पॉइंट की गिरावट है। यानी कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स पूरी तरीके से नेगेटिव बनकर निकल रहे हैं। और ये तो अभी फर्स्ट सेशन है, सेकेंड सेशन के अंदर स्थिति और बेकार होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम इंडिया के लास्ट 24 आवर्स की अपडेट्स की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर इंडिया के अंदर रिकॉर्ड केसेस वापस रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 273,810 यहां पर न्यू कोविड-19 के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके सामने 1619 डेथ्स यहां पर रिकॉर्ड करी गई है। तो यहां पर डेथ का रेशो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और कोविड के केसेस का हर दिन हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो यहां पर सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट आपको कंटिन्यूसली यहां से क्रैश होते हुए देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर 68,500 केसेस यहां पर सिंगल महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अभी एक चीज़ क्लियर कर दी है कि वो अभी महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगाने का मन नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन रेज होती रही तो यहाँ पर आपको सारे हेड ऑफिस बंद होते हुए देखने को मिल सकते हैं, सारे कंपनियों के वर्क आपको यहां पर क्लोज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसका बहुत बुरा इंपैक्ट आपको इंडियन इक्विटी बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने इंडियन इक्विटी बाजार के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि अगर आपने आने वाले टाइम में और स्थिति आपको बेकार देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक की, उनकी तरफ से भी जो अपडेट निकल कर आई है, उन्होंने यही कहा है लॉकडाउन टू वर्क बेटर फॉर इंडिया। यानी कि अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर फुल लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो सिचुएशन और यहाँ पर वर्स्ट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके पास रास्ता है कि आप यहाँ पर फुल लॉकडाउन लगा सकते हैं। ये किसने कहा है? चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की तरफ से यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर नेशनल लॉकडाउन लेकर अभी कोई अपडेट्स निकल कर नहीं आ रही है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी राहत देने वाली खबर हो सकती है कि नेशनल वाइज लॉकडाउन नहीं देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर जो कंपनियों के वर्क चल रहे हैं उसके अंदर आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। अभी अगर आप किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली यहां पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको वेट करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सारी अपडेट्स आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग सेशन में ही हमने आपके साथ ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी शेयर कर दिए थे। ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी यहां से नेगेटिव निकल कर आ रहे हैं, जो कि इंडियन इक्विटी बाज़ार के लिए यहां पर नेगेटिव पॉइंट है। इसी के साथ में यहां पर हमने आपको सुबह ही अलर्ट कर दिया था, आप टाइम भी देख सकते हैं, मार्केट के ओपन होने के पहले ही हमने आपको अलर्ट कर दिया था कि यहां पर आपको फर्स्ट सेशन के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स ही देखने को मिलने वाले हैं।
हैं। उसी के साथ में हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर शेयर कर दिए थे। इसके बाद में प्राइस एक्शन स्टॉक भी हमने आपको यहाँ पर दो बताए थे, इप्का लेबोरेटरी एंड सन फार्मा। तो अगर आप इप्का लेबोरेटरी का शेयर यहाँ पर करंट प्राइस देखेंगे तो उसके अंदर 0.29% की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसा ही कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको 14 ऐसे शेयर यहाँ पर सजेस्ट करे थे जिनके अंदर कोविड के केसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन शेयर्स के अंदर आपको मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। सभी फार्मा सेक्टर की कंपनियाँ हैं तो आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी यहाँ पर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, शेयर करे हैं उनको इस पेंडेमिक से निपटने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वही यहाँ पर पॉइंट्स ओपन कर रखे हैं जिसमें उन्होंने जो ये पांचों पॉइंट है इस पे जो उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन से का रहा है। उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जब तक आप वैक्सीनेशन की प्रोसेस को यहाँ पर तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे तब तक यहाँ पर सिचुएशन आपको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए ही देखने को मिलेगी। और अभी आपने जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस पर एज क्राइटेरिया लगा रखा है यानी कि 45 ईयर से अबव वालों को ही अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी इस एज क्राइटेरिया को ख़त्म करके सभी को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगानी होगी। और यहाँ पर जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है यानी कि फॉरेन से जो वैक्सीन आ रही है उसको भी बहुत जल्दी अप्रूवल यहाँ पर दिलवानी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किए हैं। मार्केट के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो जो हमने कल आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर हमने आपको 14 शेयर्स बताए थे उसमें से दो शेयर्स आप यहां देख सकते हैं टॉप गेनर्स में आज बने हुए हैं। सबसे पहला सिप्ला के अंदर आज 1.24% की तेज़ी यहां पर वीडियो रिकॉर्ड करने तक आपको देखने को मिल रही है। और उसी के साथ में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के अंदर भी आपको 1.14% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कोविड की सिचुएशन जिस तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है उस तेज़ी से सभी सेक्टर्स में आपको यहाँ पर डाउनफॉल ही देखने को मिलने वाला है। सिर्फ एक सेक्टर है यानी कि फार्मा सेक्टर, फार्मा सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो आपको फार्मा सेक्टर की कंपनियों पर यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में आप उन्हें रख सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख के किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर और ज़्यादा करेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक सही प्राइस लेवल पर आप फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। इसी के साथ अगर हम टॉप लूजर्स की यहां पर बात करें तो जैसा कि आपको पता है बैंक निफ्टी के अंदर 1500 पॉइंट के भयंकर गिरावट के साथ बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और टॉप लूजर्स में भी अगर यहाँ पर चार जो टॉप कंपनियाँ बनी हुई है वो सभी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियाँ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर लगभग 5.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ICICI बैंक के अंदर आपको भी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आपको 5% की गिरावट और इंडसइंड बैंक के अंदर भी आपको लगभग 4.80 यानी कि 4.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है। और बैंकिंग सेक्टर के ये सभी शेयर, इनके अलावा भी अगर मैं किसी बैंक की बात करूँ, यस बैंक की बात करूँ, PNB बैंक की बात करूँ, सभी बैंकिंग सेक्टर्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये सिचुएशन सेकेंड सेशन में और ज़्यादा आपको वर्स्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आपको होल्ड करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना है क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर एनवायरनमेंट यहाँ पर बन रहा है उससे आपको आने वाले सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को स्टडी करना है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है, टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी अपडेट्स आती है उनको रेगुलरली आपको वॉच करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स सारे सेंटिमेंट्स के बारे में पता हो, कब आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको वेट करना है, सारी चीज़ें हम आपके साथ कंटिन्यूसली शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है Q4 के नंबर्स आज बहुत सारी कंपनियों के आने वाले हैं तो उन पर भी सारा आपका फोकस रहना चाहिए। Q4 के नंबर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ से सारे अपडेट्स को पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
इसी के साथ इंडिया के COVID-19 के केसेस 1 करोड़ 50 लेख के अबव पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति बनी हुई है इंडिया के अंदर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी अपडेट शेयर मार्केट की आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहे।